नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए 23 अगस्त रविवार का दिन कैसा रहेगा, आपके व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बताएंगे, तथा आपको बताएंगे आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है और किस प्रकार के कार्य को करना आपके लिए शुभ हो सकता है। तमाम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको सारी जानकारियाँ बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपके सहकर्मी समूह के मध्य में आपके लोकप्रियता में इजाफा कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले जातक हैं, उन लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। व्यावसायिक रूप से चीज़ें सुचारू रहेंगी और आपको अच्छी प्रगति प्राप्त होंगी। आपकी आमदनी बढ़ेंगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के नए रास्ते मिलेंगे। भाई बहनों और बड़ों का साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राएं या भ्रमण की योजना बन सकती हैं। आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय और खुशहाल रहेगा। आपको अपने या पिता के सेहत को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। वाहन का उपयोग धीरे चलाएं, दुर्घटना की आशंका भी इसमें बनती दिख रही हैं। ऐसे में वाहन का उपयोग सावधानी से करने की अवश्य कोशिश करें। व्यावसायिक संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण के साथ कार्यस्थल में आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आप अपने व्यवहार में अत्यधिक सफल हो सकते हैं। ग्राहकों के साथ अस्थायी संबंध भी आप बना सकते हैं। आप अपने योग्यताओं को साबित करने के लिए पहले से बेहतर अवसरों का सुचारू रूप से लाभ उठा सकते हैं। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। आप अपने बच्चों से भी काफी खुश और काफी आनंददायक समय को व्यतीत कर सकते हैं। अपने दोस्तों और अपने जीवन साथी के साथ संतोषप्रद जीवन का लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में आप थोड़े चिड़चिड़ेपन हो सकते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आराम करने के लिए पर्याप्त समय आप अवश्य लें। आराम को भी अपने दिनचर्या में शामिल करें, तभी जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। ऐसे में अज्ञातों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। किसी के साथ भी व्यवसायिक मतभेद करने से बचने का प्रयास जरूर करें। संचारी बने और खुद को आराम देने के लिए कुछ समय निकाल कर उनका उपयोग अवश्य करें। अपने काम और अपने परिवार के सदस्यों में बाधा न बने और अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा करने की अवश्य कोशिश करें। कुछ समय निकाल कर आप अपने परिवार को छुट्टियों पर ले जाएं। आपके पार्टनर भी मददगार होंगे, लेकिन आपके प्रयासों को गलत समझा जा सकता है। आपके जीवन में आपको सफलता भी अवश्य हासिल होंगी। यह अवधि अनुकूल अवधियों में से नहीं है। स्वास्थ्य के संदर्भ में आप कुछ बीमारी और पुरानी बीमारियों से भी आप प्रभावित हो सकते हैं। गुप्त रोग जैसी समस्याएं आपको बीमार कर सकती हैं। आर्थिक संदर्भ में धन की रुकावटें आपके असंतोष का कारण हो सकती हैं। ऐसे में सतर्क रहें। कार्यस्थल पर भी प्रतिबद्ध दताओं को पूरा करने के लिए आपको कृत संकल्प रहने की आवश्यकता है। एक एजेंट के रूप में प्रॉपर्टी डीलर, सर्वेक्षर, कृषि सलाहकार और औद्योगिक सलाहकार के रूप में आप अत्यधिक आय भी अर्जित कर सकते हैं। आपको जीवन में लाभ कमाने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। काम के दबाव में आप सामना करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ अपनी दिनचर्या से छुट्टी या ब्रेक का आनंद ले सकते हैं और अपने काम काजों को सही समय पर पूरा कर सकते हैं। आपकी लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर होंगे। आप बहुत दूसरों पर अधिक प्रभाव डाल सकोगे। यदि आप अधिकारियों के साथ टकराव कर रहे हैं, तो बचने का प्रयास करें। व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति प्राप्त होंगे। आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ पाने में असक्षम होंगे। आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत ही शांतिपूर्ण और काफी खुशहाल रहेगा। आपका जीवन साथी और बच्चे भी बहुत स्नेही और प्यार करने वाले होंगे। परिवार में कुछ शुभ समारोह का आयोजन कर सकते हैं।
में आपको अपने स्वास्थ्य के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सूजन, सिरदर्द और आंखों की शिकायतें होने की संभावना है। ऐसे समय में धैर्य रखें, कामकाज का पूरा फोकस करने की अवश्य कोशिश करें। आपको अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिल सकता है। आपकी आमदनी, व्यापार और अन्य उपक्रमों से भी काफ़ी योग्यता बढ़ सकती हैं। यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको आय का वृद्धि और पदोन्नति प्राप्त करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आप में से कुछ लोगों को धार्मिक कार्य में संलग्न करने के मौके भी प्राप्त होंगे, जिसके कारण आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी। कुछ नए अधिग्रहण आपके आराम और मानसिक संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। परिजनों में भाई बहनों के साथ आपका तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने की अवश्य कोशिश करें। आपको संतान संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। जीवन में लाभ कमाने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। विभिन्न स्रोतों से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपके आराम में शामिल होंगे। आप एक सुखी, समृद्ध और पारिवारिक जीवन को इंजॉय कर सकते हैं। परिवार में कोई उत्सव हो सकता है। आपके बच्चों का प्रदर्शन आपके मन में गर्व और खुशी की भावनाओं को पैदा कर सकता है। आप अपने घर के निर्माण के लिए अथवा कुछ नवीकरण करने के लिए अत्यधिक धन खर्च कर सकते। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी माँ छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित हो सकती हैं। आपको अपनी माँ की सेहत का भी ध्यान अवश्य रखने होंगे। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर भरोसा करके लाभ कमाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। न्याय से जुड़े लोगों को भी कुछ राहत मिल सकती है। भौतिक सुखों में आपकी अवश्य वृद्धि होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। व्यापार में नए निवेश से परहेज करें। आर्थिक स्थितियों में भी काफी स्थिरता रह सकती हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नवस्य खर्च हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपका सुधार हो सकता है। परिवार में कुछ धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह हो सकते हैं। प्रेमी युगलों के लिए यह समय शुभ रहेगा। लंबी बीमारियों से जूझ रहे जातकों को भी राहत मिल सकती है। आपको खुशियों के साथ दिन की शुरुआत करनी होगी। नौकरी पेशा वाले जातकों को तरक्की मिल सकती है। व्यापारी एवं व्यवसायियों के लिए व्यापार में बेहतरी हो सकती है। आपकी वित्तीय स्थितियों में भी सुधार होंगे। आय भी मजबूत होंगे। पारिवारिक वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आप दान धर्म के कार्यों में शामिल होंगे। आपको दोस्तों और शिवचिंतकों के साथ मौज मस्ती समय गुजारने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। यदि आप व्यावसायिक संदर्भ में निर्यात या आयात से संबंधित हैं तो आकस्मिक विदेश यात्राओं को भी जाने के मौके भी प्राप्त होंगे। यह समय तुला राशि के जातकों के लिए काफी शुभ है, काफी उन्नतिदायक और काफी आरामदायक हो सकता है। आपके जीवन में आपको खुशियां भी अवश्य प्राप्त होंगी। आपको कामकाज को करने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। आप अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करते हुए अपने सारी के सारी स्थितियों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार दोस्तों।